एसएसबी की तरह से 10 बटालियन यहाँ पे बाइक रैली ऑर्गेनाइज करेंगे, तिरंगा रैली, इसके मुझे बताइए सर। कल पूरा भारत 78 जो आज़ादी का महोत्सव है पूरे धूमधाम से मना रहा है। हम भी श्रीनगर में जो हमारे पास कर्मी हैं उनके साथ एक मैसिव तिरंगा रैली निकालने जा रहे हैं। जो बटमालू एक बड़ा ही आपको पता है ऐतिहासिक जगह रहा है, आज़ादी के समय से ही इसका काफ़ी महत्व रहा है, चाहे छत्ताबल हो चाहे बटमालू हो। तो हम यहाँ से एक सिम्बॉलिक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं जो कि हिस्टोरिक SKICC तक जाएगा और वहाँ से वापस जो कल एक बलिदान स्तंभ का जो उद्घाटन होने वाला है हम वहाँ पे इकट्ठा होंगे। लाल चौक होते हुए हम वापस आएंगे। इसमें जो लोकल पब्लिक है, हमारे जो लोग हैं, वो काफ़ी उत्साह के साथ शरीक हो रहे हैं और ये हम हर एक साल करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं और कल बक्सी स्टेडियम में भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि दो दिन पहले भी हमने जो SKICC से बोटनिकल गार्डन तक एक मैसिव ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकाला था। तो ये उत्साह जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे लिए बड़े ही फख्र का बात है और हम इसको आगे भी जारी रखेंगे। आप लोग आए इसके लिए, आप लोगों का बहुत बहुत क्या मैसेज जाते हैं रैलियों से? मैसेज है कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है और देश का जो भी बात आता है तो हम सारे अपने भेदभाव को भूल कर इकट्ठा होकर देश को आगे बढ़ाने में एकजुटता से काम करते, यही हमारा मैसेज है। इन रैलियों से तो मोरल भी बूस्ट है, मोरल बूस्ट होता है। और अभी जो हमारा ओलंपिक खत्म हुआ या कहीं भी हमारा जो एज कंट्री हम पार्टिसिपेट करते हैं तो आज एक भारत देश की पहचान है और उसको काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। तो यही हमारा है कि हमारा जब देश की बात आती है तो हम सारे भेदभाव को भूल कर एक बड़े जोश व खरोश के साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। थैंक यू।